दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा खिमा, ऐसा खिमा के मुंह में जाते ही घुल जाए और इसके छोटे छोटे चंक जो मुंह में जाए तो एक अलग ही स्वाद, अलग ही लजीज आपको लगे। तो बिल्कुल जैसे बताया है वैसे आप बनाइए। चलिए शुरू करते हैं मटन हरियाली खिमा। इसके लिए यहाँ पे हमने आधा बंच धनिया पत्ता लिया है, आधा बंच पुदीना लिया है। मेजरमेंट थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, उसको एक मिक्सचर के जार में ले लेना है। उसमें चार हरी मिर्च मिलाई या तो आपके स्वाद अनुसार डालिए, आपको कितना तीखा खाना है। मैं यहाँ पे आधा किलो मटन कीमा ले रहा हूँ। दो बड़े कैप्सिकम को चॉप करके डाल दें और अगर आपको पसंद है तो 8 से 10 कड़ी पत्ता डालिए, अदरवाइज आप कड़ी पत्ता स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें डालिए पानी, 10-12 चम्मच जितना पानी डालिए ताकि पीसने में आसानी हो जाए। इसकी हमने एक बारीक पेस्ट बनानी है, कुछ ऐसी पेस्ट बनानी है दोस्तों, देख लीजिए कंसिस्टेंसी, ऐसी पेस्ट बना के तैयार करनी है। इसको साइड में रख दें। अब यहाँ पे कुकिंग ऑयल हमने गरम कर लिया है, गैस को एकदम स्लो कर देंगे। यहाँ पे 1 चम्मच जीरा डालेंगे, तुरंत ही हम इसमें खड़ा गरम मसाला डाल देंगे और खड़ा गरम मसाला डाल के तुरंत ही हमें 2 तेज पत्ता और यहाँ पे 2 बड़ी प्याज बारीक चॉप करके हमने रखी थी वो डाल देंगे। दोस्तों प्याज को इतना पकाना है कि ये गोल्डन ब्राउन या तो अच्छे से फ्राई हो जाए। प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब यहाँ पे 2 टमाटर चॉप किए हुए इसमें डालेंगे। इसमें 1 चम्मच डालेंगे नमक ताकि टमाटर हमारे जल्दी गल जाए। डालेंगे 1 और 1 आधा चम्मच धनिया और जीरा का पाउडर और तब तक कुक करें जब तक कि ये अच्छे से गल जाए। 2 TSP डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को और टमाटर गलने तक हमने उसको कुक करना है। टमाटर गल चुके हैं, अभी आधा किलो हमने लिया है खीमा, धो के क्लीन करके रखा था, ये आधा किलो मटन खीमा इसमें मिला देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। उसमें 4 हरी इलायची डालें, 2 बड़ी और काली इलायची डालें करके जब तक कि ये पानी न छोड़ने लगे तब तक हमें कुक करना है। देखिए खीमा से पानी छूटने लगा है, रिलीज़ होने लगा है। अब यहाँ पर हमारा ये हरा पेस्ट डाल देंगे जो हमने पहले से रेडी करके रखा था और उसमें से थोड़ा पानी डाल के चला के इसको अब आराम से 10 से 12 मिनट कुक होने दे। बीच बीच में इसको चलाते रहना है। अब 12-13 मिनट के बाद यहाँ पे 150 से 200 ग्राम हरे ताज़े मटर बॉईल करके इसमें डाल दीजिए जो मैंने पहले से रेडी रखा था। 200 ग्राम में यहाँ दही ले रहा हूँ, मेरा घर का जमाया हुआ है। अगर आपके पास दही खट्टा है तो आप 100 ग्राम डालिए। इसको 2 मिनट तक लगातार चलाते रहिए, अदरवाइज क्या है दही जो है आपका फट जाएगा। 2 मिनट तक चलाते हुए इसको, 2 मिनट चलाते हुए कुक करना है इसको। फ्लेम को यहाँ मीडियम टू स्लो रखें। अब यहाँ 2 मिनट हो चुकी है। अब यहाँ 1 टीस्पून हम डालेंगे कीमा मसाला, अगर आपके पास ना हो तो 1 टीस्पून मटन मसाला डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच डालेंगे गरम मसाला, 1.5 टीस्पून डालेंगे हम कसूरी मेथी, इस तरह से मसल कर डालिए और जब तक खीमा अच्छे से पक जाए तब तक हमें इसे कुक करना है। बीच बीच में इसको चलाते रहना है, फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है और यहाँ पे मेरा खीमा अच्छे से पक चुका है दोस्तों। अब आइए हम उसको एक अलग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लाता रहूँ।